नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों, आज हम आपको एनसीएफ 2005 के प्रमुख प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो ये एनसीएफ 2005 बहुत इम्पोर्टेंट है और सीटेट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट। सीटेट में 100% एक क्वेश्चन आता है एनसीएफ और टीटी में, सुपर टीटी में से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अन्य सारे कंपटीशन में जहाँ पर अध्यापक संबंधी प्रश्न होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? तो एनसीएफ 2005 जो है प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र बिना बोझ की शिक्षा पर कब विचार हुआ था? तो एनसीएफ 2005 पे जो है बिना बोझ की शिक्षा ये 1993 ईस्वी में विचार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो इसमें सुझाया गया था सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। तो ये तीन बातें ध्यान रखिए, है ना, जो आप लोगों का सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो ये एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है। एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या था? तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखें कि बिना बोझ के या बिना भार के शिक्षा या अधिगम भी कह सकते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, उसका पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री कहते थे ना। तो अब ये शिक्षा मंत्रालय हो गया जिसके इस समय प्रमुख आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगला, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव किया गया? तो यहाँ पर दो प्रमुख सूत्र दिए गए हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। जो हमें ज्ञात है और जो हमको नहीं आता है तो उसकी ओर चलना है, पहले हम ज्ञात को जाने और फिर अज्ञात को जाने, और मूर्त से अमूर्त जो हमें पहले दिखाई देता है उसको पहले हम समझिए और फिर जो हमें दिखाई नहीं देता उसकी ओर जाए। तो ये इस प्रकार से दो सूत्रों का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध है सभ्यता और प्रगति, इससे शुरू किया गया था इसका। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या निहितार्थ है? तो इसमें है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। जो आपको ज्ञान आता है स्कूल का ज्ञान है, और ज्ञान को जो बाहर के जीवन से, जो बाहर समाज में है, पर्यावरण में है, उसको देख को रिलेट करते हुए ज्ञान को रिलेट बनाना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? तो ये 2005 में बनाया गया था, एनसीएफ 2005। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ की कार्यशाला कहाँ पर हुई? एनसीएफ की कार्यशाला जो वर्कशॉप होती है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये एनसीईआरटी के में हुई थी और नई दिल्ली जो एनसीईआरटी स्थित है, है ना, नई दिल्ली में एनसीईआरटी स्थित है, वहीं पर ये इसकी कार्यशाला आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन बनता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, अधिगम क्या है? तो इसमें कहा गया मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र और व्यवसायिक ज्ञान, इन सब के द्वारा बालक को सिखाया जाए और इसका मानसिक विकास हो। अगला है, एनसीएफ 2005 में किस शिक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो इसमें कक्षा दसवीं की परीक्षा ऐच्छिक विषय के अंतर्गत हो, ऐच्छिक हो मतलब इच्छा के अनुरूप हो, ये सुधार के सुझाव दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा में क्या अंतर बताया गया है एनसीएफ में? तो इसमें कहा गया था प्रथम भाषा को हिंदी
और जो राष्ट्रीय भाषा हो, राज्य की भाषा हो, दूसरी भाषा अंग्रेजी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और तीसरी स्थानीय भाषा की इन्होंने बात की थी, पंजाबी में हो या संस्कृत में हो या तमिल में हो, इस प्रकार जो है इन्होंने तीन भाषा त्रिभाषा सूत्र बताया था। तो पूछा जा सकता है त्रिभाषा सूत्र एनसीएफ के अनुसार क्या है, तो ये है प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय अंग्रेजी और तृतीय स्थानीय भाषा। अगला क्वेश्चन बनता है यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि इसमें टोटल 38 या 38 सदस्य थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो करिकुलम आपका लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में किस शिक्षा पर बल दिया गया, सबसे ज्यादा किस शिक्षा पर, तो शांति शिक्षा के लिए बल दिया गया है, इसीलिए आपको शांति शिक्षा एवं सतत विकास जो है प्रयास आपका पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है, बताया गया कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताई गई है, उन्हें जो हम लोग सोचते हैं सपने देखते हैं उसको जो है धरातल पर लाया जाए, ग्राउंड रियलिटी पर लाया जाए। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता होती है। अगला है एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है, तो अभी आपको बताया त्रिभाषा फार्मूला, त्रिभाषा फार्मूला आपको पीछे हमने बताया। अगला है एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है, किस शिक्षा पर बल देती है, किस सूत्र पर बल देती है, तो यहाँ पर करके सीखने पर बल देती है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड का अपनाती है कि आप जो करें और करके सीखें। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 की पांच मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पहला देखेंगे ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, आपको जो भी ज्ञान है उसको बाहरी वातावरण से सामाजिक वातावरण से जोड़ना। दूसरा पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, रटन प्रणाली जो है बिल्कुल रटने की प्रणाली नहीं कि याद कर लो, है ना। दूसरा पाठचर्या का इस तरह से समर्थन हो कि वो बच्चों का चहुंमुखी विकास कर सके, इस प्रकार पाठ्यक्रम बनाया कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, एक ही तरफ विकास ना हो, एक चीज पढ़ता जाए बाकी सब नहीं, तो चारों तरफ उसका विकास हो। अगला है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा को गतिविधि से जोड़ा जाए, मतलब पाठ्यक्रम जो है हमारा और परीक्षा है फ्लेक्सिबल हो, कुछ सरल कुछ कठिन इस प्रकार से बनाया जाए और जो कक्षा में गतिविधि हो उससे जोड़ा जाए। अगला है एक ऐसी अधिभावी पहचान के विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, तो इस प्रकार से ऐसा कुछ किया जाए कि जिसमें पूरे देश की प्रजातांत्रिक की व्यवस्था और राष्ट्रीय चिंताएं आ जाए। अगला है एनसीएफ 2005 में जो है सुझाव दिया गया था कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए या सूचना मानने को क्या निरर्थक कर दिया जाए, तो यहाँ पर ज्ञान को सूचना न माना जाए। अगला है एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर एकता संकल्पना पर मतलब एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, एकता गलत, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना लंबी आकृति का अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गलतियां क्यों महत्वपूर्ण, तो उन्होंने कहा कि ये समाधान को पहचानने में सहायता करती है, जब बालक गलतियां करेगा और गलतियों को आप देखेंगे और तो उसकी समस्या जानेंगे और समस्या को समाधान करेंगे, तो इस प्रकार गलतियां महत्वपूर्ण है। अगला है शिक्षा बिना बोझ के या बिना बोझ के शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो इसमें कहा गया पाठचर्या के बोझ को कम करना, जो कम की किताबें हैं बर्डन ज्यादा है उसको कम किया जाए। अगला है एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए, गणित की शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर क्या केंद्र होना चाहिए, इसमें बताया गया है कि कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, जो जो पढ़ाया जाए उसको सीधे दैनिक जीवन से जो भी बच्चे करते हैं घर में करते हैं समाज में करते हैं उसको जोड़ा जाए, रिलेट किया जाए। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए, यहाँ महत्वाकांक्षी क्या मतलब है, तो इन्होंने बताया कि गणित के उच्च उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति, तो गणित की महत्वाकांक्षी में जो गणित का उच्च उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जाए। अगला एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है, तो कला शिक्षण का उद्देश्य इसलिए बताया गया कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो हमारा सांस्कृतिक कल्चर है ये बनाए रखे एवं छात्रों के व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, कला के द्वारा छात्र का व्यक्तित्व और मानसिक विकास अच्छा रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगला
एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत क्या महत्व दिया गया है? तो इसमें बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। अगला है, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो इसमें की गई है कि सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं उनको शामिल करके उनमें सुधार किया जाए। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो कक्षा शिक्षक की भूमिका है वो एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर भाषाओं का बच्चों का मातृभाषा माध्यम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करना निरर्थक है? ज्यादा मतलब बच्चे होंगे तो वहाँ पर सृजनात्मकता का अभाव हो जाएगा, टीचर ध्यान ही नहीं दे पाएगा। कौन सा कहते हैं, यहाँ पर सृजनात्मकता की बात करना निरर्थक। अगला है, इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो गणित शिक्षण का लक्ष्य के लिए कहा है कि अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। जो अमूर्त चिंतन है, कल्पना में है, उसको सोचना, उसका निर्माण करना, है ना, कोई चीज कैसे क्या हो सकती है, और तार्किक ढंग से सोचना, उसमें रीजनिंग लगाना के क्या क्या हो सकता है, और संचालित करने की योग्यता का विकास करना। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो बच्चों के आकलन का सही तरीका उन्होंने कहा है कि दैनिक जो गतिविधियां करते हैं उसको देखकर बच्चों का आकलन करिए। अगला है, नाटक विधि में कौन छात्र देते हैं? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्राथमिक स्तर के छात्र नाटक विधि में रुचि लेते हैं। अगला है, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? तो इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो इस प्रकार से इन्होंने तीन स्तर पर कला शिक्षा को महत्व देने की बात कही। अगला है, एनसीएफ 2005 की संस्कृतियों के अनुसार कक्षा एक व कक्षा दो की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का सही तरीका क्या होना चाहिए? तो इन्होंने कहा प्रेक्षण के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर बालकों का मूल्यांकन का होना चाहिए, कि गतिविधि देखकर, काम देखकर, है ना, बाकी टेस्ट नहीं देना चाहिए, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अगला है, यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि श्रेष्ठ होगी? तो यहाँ पर कहानी विधि श्रेष्ठ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की क्या संकेत करता है? पाठचर्या से मतलब क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं बालक, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें प्रतिदिन बालक क्या क्या करते हैं, इसको पाठचर्या में रखना चाहिए। अगला है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? चित्र दिखाने से क्या लाभ होता है? तो जो आप चित्र TLM का प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, चार्ट मॉडल इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो ये पाठ को समझाने में सहायता करता है, नाम ही उसका है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कितनी धाराएं हैं या कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 5 अध्याय हैं और इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। तो सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, तो हमको एक कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, अभी तक कितने NCF बने हैं? तो अभी तक कुल 4 NCF बनाए गए हैं, 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 में। तो इस प्रकार से आपने 45 क्वेश्चन का लगभग रिवीजन किया और एक क्वेश्चन ये पूछा, दूसरा क्वेश्चन ये बताइए। और ये देख लीजिए कि इस समय इसमें जो है विद्यार्थियों और शिक्षक का अनुपात, तो विद्यार्थियों का अनुपात और शिक्षक का, तो 30:1 ये पूछे, अगर शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात पूछे तो 1:30, है ना, तो 30:1, 1:1 शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, इस प्रकार से आप लोग समझें। तो इस प्रकार से आपको जो है NCF 2005 का रिवीजन कराया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और NCF 2000 ये जो तुम्हारे चारों हैं इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पीछे से भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।